नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रैवल के लिए ई पास कैसे बनाएं। आप लॉकडाउन के समय में घर बैठे 5 मिनट में ई पास बनवा सकते हैं। ई पास बनाने के बाद आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ई पास बनाने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र में हमें सर्च करना है epass.cgcovid19.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसे क्लिक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप अपने ब्राउज़र में epass.cg लिख कर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर epass.cgcovid19.in इसका वेबसाइट यहाँ पर आ गया है, इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास नया पेज ओपन हो गया। इसके पहले यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है और इसे हम डेस्कटॉप साइट मोड को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना नाम और मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर में हमें क्लिक करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम इंटर करने के बाद। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अपना नाम और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ रजिस्टर पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर हमें इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं OTP को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, इसके बाद वेरीफाई में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने OTP इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक किया, यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अगर कहीं पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करना होगा। अंतर जिला यात्री पंजीकरण यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अगर आप होम आइसोलेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ आप सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप होम डिलीवरी हेतु वेंडर लिस्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर क्लिक करके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ई पास आने जाने के लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर हमारे पास नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जिला यात्री पंजीकरण में गाड़ी का प्रकार। अगर आप ही का गाड़ी है तो यहाँ पर आपको स्वयं का, निजी का वाहन यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप किसी दूसरे का वाहन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यात्रा की तारीख। यात्रा की तारीख आप जिस डेट में कहीं पर जाना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा में आपको दिया गया है, अगर आप एक अखबार विक्रेता हैं, चिकित्सक उपकरण वितरण, दवा एवं औषधि विक्रेता। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी काम को करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मेडिकल स्टोर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चिकित्सा उपकरण वितरण में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यात्रा का अतिरिक्त उद्देश्य, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि मुझे मेडिकल स्टोर जाना है दवाई लेने के लिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसका डिटेल लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको वाहन नंबर, आपके गाड़ी का नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। आपका वाहन यहाँ पर बाइक है या फिर कार है, आप जिस प्रकार का वाहन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमने रजिस्टर किया था, हमारा नाम यहाँ पर आ गया है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना एज और यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमारा ज़िला, और इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ शहर या ग्राम पंचायत, आप जिस भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है पूर्ण पता, गृह क्रमांक सहित। यहाँ पर आपको पूर्ण पता, यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर पहचान का प्रकार में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट आईडी, इसमें से किसी भी आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, आप जिस आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके आईडी का नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आप वाहन के चालक हैं? अगर आप ही गाड़ी चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, वाहन चालक और उद्देशक सहित कुल व्यक्तियों की संख्या, आप अधिकतम दो लोग से ज़्यादा इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैक्सिमम दो लोग दिया गया है, और अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे एक ही रहने दीजिए, और अगर आप इसमें दो लोग कहीं पर जाना चाहते हैं तो इसको आप दो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दो लोग कहीं पर जाना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति का पहचान पत्र आपको इसमें अपलोड करना होगा, उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जहाँ से भी किसी दूसरे जगह जाना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। फर्स्ट में जो हमने एड्रेस डाला वह हमारा घर का एड्रेस था। अगर आप अपने घर से ही कहीं दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो डिटेल अपने घर का एड्रेस डाला है वह यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा, आपको यह दोबारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने वर्तमान एड्रेस को छोड़कर किसी दूसरे जगह से किसी अन्य जगह जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस एड्रेस को फिलअप करना होगा जहाँ से आप कहीं पर जाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, गंतव्य कहाँ तक, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पर जिला, ब्लॉक, सिटी, और यहाँ पर आपको मकान नंबर के साथ पूरा पता, यहाँ पर आप मकान नंबर ना लिखें तो पर भी चल जाएगा, लेकिन कंप्लीट एड्रेस थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। इसके बाद देखें दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो, यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइज जिसमें आपका फ़ोटो दिखता है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, और आधार कार्ड में जिस साइड में आपका पता लिखा रहता है उसको यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पर चौथा दिया गया है, प्रूफ रिलेटेड टू रीजन ऑफ ट्रैवल, यहाँ पर आप जिस कारण से कहीं पर जाना चाहते हैं उसका प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टोर जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल जाने के लिए दवाई का पर्ची यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो आप ई पास नहीं बनवा सकते। आप जिस भी विषय के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उसका प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका यह ई पास अप्लाई होगा और सक्सेसफुल रजिस्टर होगा, नहीं तो यह ई पास आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए यह सभी डिटेल मैं कंप्लीट इंटर कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद का प्रोसेस मैं इसे फिलअप करने के बाद आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट सभी डिटेल इंटर कर लिया है, अपना फ़ोटो और अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ जस्ट नीचे सबमिट पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे नियम व शर्तें मंजूर है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ सबमिट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किए, हमारा सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर जस्ट हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा शो करने लगेगा, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा, स्टेटस हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी पेंडिंग है। यहाँ पर आप 5-10 मिनट बाद इसे फिर से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको आपका ई पास अगर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता है, अगर आपका ई पास सक्सेसफुल बन जाता है तो यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्लिक करके आप अपने ई पास को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ई पास कैसे बनवाते हैं। अगर आप इमरजेंसी में कहीं जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से ई पास बनवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।